हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्लान फेल तो नहीं होगा? पूरा बंदोबस्त किया, बस जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करते रहे प्लीज। लगता है उसका फोन है, उठाइए स्पीकर पे। हेलो, मैं आ गया हूँ। तकलीफ तो नहीं हुई जगह ढूंढने में? नहीं। पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। इतने अकड़? अब मेरी बेटी कहाँ है? इतना उतावले क्यों हो रहे हो? बेटी भी है, चुपचाप गाड़ी से उतरो और सीधा आगे की तरफ बढ़ो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो कंटेनर वाली गली में घुस गया, मुझे दिख नहीं रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। शहरी नहीं वरना। नहीं, कुछ मत करो प्लीज। चल बैग फेंक। लेकिन मेरी बच्ची? पहले पैसे फिर बच्ची। हाँ ठीक है। ड्रोन कैमरा है सर। तुम लोग चुप जाओ। सीआईडी, मैंने कहा था ना अकेले आना, अब जिंदगी भर तड़पेगा तुमने बच्ची के लिए। नहीं, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी गलती की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज।
रुको रुको, मेरी बेटी मुझे वापस करो। मजाक कर रहे हैं, इसमें तो खरोच भी नहीं आएगी। ये तो मेरा हथियार है, और जब तक मेरा हथियार मेरे पास है, मुझे मालूम है तुम उसका कोई नहीं चला सकते। जलाओगे? जलाओगे? ये बच्ची नहीं है अभिजी, ये तो डमी है। सर, बच्चा ठीक है? दया, ये बच्ची नहीं है, डमी है, गुड़िया है। किडनैपर से पूछो बच्ची कहाँ है। यस सर। ए, बच्ची कहाँ है? इसकी पीठ पर खून। क्या हुआ, कुछ बताया इसने? पता नहीं, ये तो मर गया। पैर पे गोली नहीं मारी क्या? अरे गोली तो मैंने पैर पे ही चलाई थी अभी। गोली अगर पैर पे चलाई तो फिर पीठ में कैसे लगी, मर कैसे गया? पता नहीं सर। ओह माय गॉड, अब मेरी बेटी के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा मुझे? सीआईडी वाले होकर आपने इसे गोली मार दी। सिर्फ यही जानता था कि मेरी बेटी कहाँ है। सर, जिगर ने मरने वाले आदमी से फोन पे बात की थी सर, मगर उस आदमी के पास हमें कोई फोन नहीं मिला। और वो ड्रोन भी पता नहीं कहां गायब हो गया। उस आदमी को जो गोली लगी है, हाँ, वो गोली दया की गन से ही चली।
तो बड़ी आसानी से कह दिया सॉरी, बेटी तो हमारी गई है ना। जीरो जी, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की बच्चे को ढूंढने की। कहां कोशिश की आपने? आपके ऑफिसर ने बिना सोचे समझे गोली चला दी बस। अपनी बच्ची को कभी नहीं पाऊंगी। आप लोग प्लीज हिम्मत रखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, प्लीज। मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे, आपके पास वापस ले आएंगे। रहने दीजिए इसी के साथ, अब आपके झूठे आश्वासन का कोई फायदा नहीं। पहले भी आपने यही कहा था ना। हाँ, आप और आपकी टीम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। अगर आपके पास बेटी होती तो आपको समझ में आता क्या पर क्या बीत रही है। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। बच्ची को भूखा कैसे रखा होगा, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। मैडम आइए। जीगर, इस वक्त सिर्फ इतना कहूंगा मैं, हिम्मत मत हारना और हम पर भरोसा रखना। हेलो सर, हाँ इसे भी प्रद्युम्न बोल रहा हूं। क्या सर? लेकिन सर ठीक है, मैं दया को अरेस्ट करूंगा। तो दया, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ऑफिसर पैनल आपकी बात विस्तार से जानना चाहता है, भरोसा रखिए आपके साथ न्याय होगा। सर, पक्ष रखने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। देखिए ऑफिसर, ये एक संगीन मामला है। सीआईडी ऑफिसर पर खून का इल्जाम लगा। सर, जो कुछ भी हुआ वो बात मैंने अपने बयान में लिख के दी है, वो बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने उसके पैर पे गोली चलाई थी सर, पीठ पे गोली मैंने नहीं मारी। लेकिन आपकी वजह से एक नन्ही सी बच्ची की जान खतरे में पड़ गई। उस नन्ही सी बच्ची की जान की फिक्र मुझे भी है सर। उसको जो कुछ हुआ आप हमें विस्तार से बताइए। वो आदमी उस बच्ची को लेके भाग रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। मैंने गोली चलाई उसके घुटने से नीचे ताकि वो भाग ना सके और मैं बच्ची को उसके हाथ से ले लूं। फिर आगे जाके देखा तो वो मर चुका था। कमाल है, इंस्पेक्टर दया कह रहे हैं कि उन्होंने उसके पांव पे गोली चलाई जबकि पैर पे कोई जख्मी नहीं था। गोली उसकी पीठ पर लगी थी और फोरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो गोली तुम्हारी थी। अब इस बात को कैसे गलत साबित करोगे? सर, वहां कंटेनर पे पैर फिसलने का निशान था। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने उस पर गोली चलाई उसका पैर फिसल गया और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की होगी और वो नीचे की तरफ झुक गया और शायद उस वक्त गोली उसके पीठ पे लगी होगी, पर मैंने गोली उसके पैर पे मारी थी। मतलब तुम मानते हो ना कि तुम्हारी गोली उसकी पीठ पर लगी होगी जिसकी वजह से वो मर गया? हो सकता है सर,
मगर मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। अभी जानबूझकर मारा या अनजाने में, वो तो मरा है ना। वो भी एक निहत्थे आदमी की पीठ पर गोली चला के। ब्रेकिंग न्यूज, सीनियर ऑफिसर दया कटघरे में, और इस जुर्म से बरी होना दया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सीआईडी सीनियर इंस्पेक्टर दया को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और सीनियर इंस्पेक्टर दया अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सची बोल रहे हैं और सची कह रहे हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। सर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप लोग। एक मिनट शांति से बात सुनो। क्या कर रहे हो? हाँ, मीडिया के लोग, मीडिया का काम है हर चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाने का, तो कंट्रोल कीजिए ना आप लोग। अभी किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते, अभी बात पूरी हुई नहीं है यार, ऐसे मत करो यार। सर लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके खिलाफ सुनवाई आ गई तब फिर आप क्या बोलेंगे? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं मैडम, और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। प्लीज दया, इस केस के कुछ अनसुलझे पहलू, जब तक इस केस की जाँच चलेगी तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। जेल? सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर दया निर्दोष है सर, हम सब जानते हैं, उसने जानबूझ के नहीं किया सर। तो प्रूव करो ये बेगुनाह। अभी तक एक भी सबूत, एक भी गवाह सामने नहीं आया जो ये कह सके कि खून दया की गोली से नहीं हुआ है, और दया ने खुद कबूल किया है कि वो गोली शायद इसी की गन से चली है उसकी पीठ पर। इंस्पेक्टर दया अपने किए पे शर्मिंदा है, उनका सिर शर्म से नीचे हो गया है, हमारे लाख पूछने पर भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। दया सर को हथकड़ी पहना दी, ये लोग कहाँ ले जा रहे सर दया सर को? जेल और कहाँ? सर कुछ करिए ना सर, दया सर को रोके ना सर प्लीज। एक मिनट पीछे आ, आइए इधर आइए। अरे यार थोड़ा तो टाइम दो ना प्लीज, सब मिलेगा आपको, पीछे रहिए प्लीज। दो चार दिन की बात है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, घबराना मत है। घबराहट की तो कोई बात ही नहीं है यार, ना कोई डर है ना कोई कर, अफसोस तो इस बात की है कि उस बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पता लगा लेंगे ना, बहुत जल्दी पता लगा लेंगे।
जो भी करना है जल्दी करो अभिजीत। वो बच्ची भरोसा रखो यार, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। सिर्फ दोस्त ही तो है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो अभिजीत, सिर्फ तुम। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप छुट्टी चाहिए थी, एक दो दिन रेस्ट मिल जाता। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर तबीयत बिगड़ गई है? नहीं सर, वो अब थोड़ी बेचैनी तो हो रही है। हाँ ठीक है, अब तुम कह ही रहे हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं ना नहीं कहूंगा। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। ख्याल रखना अपना, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, दया के केस का इन्वेस्टिगेशन करने से हम लोगों को मना कर दिया है, याद है ना? याद है सर। अब मना किया तो कैसे करेंगे? हाँ सर। हाँ इसे क्या हो गया सर? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही है सर, बेचैनी हो रही है। ओ सर में दर्द हो रहा है सर, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है सर। डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफर नहीं देख रहे थे तुम भी? मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर के पास सर, तो इसको भी दिखा दूंगा। हाँ ले जाओ, इसे भी साथ में ले जाओ। जी लेकिन कल मुझे रिपोर्ट देखनी है। मेडिकल रिपोर्ट? हाँ सर वो तो दिखा देंगे सर, बता देंगे। जा जल्दी जाओ।
Excuse me, sir. अरे आप लोग आई 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 सर, मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूं. क्यों? We are very sorry. अरे नहीं, किस बात की माफी? सर हमारी छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी जान, पता नहीं किस हाल में होगी वो. उसके प्यार में पता नहीं आप सबको क्या कुछ कह दिया मैंने. I'm really very sorry. मैं समझ सकता हूँ. It's quite natural. कोई बात नहीं. आइए बैठते, चलो आ जाओ. Come. तो सर कहाँ से शुरू करना है? क्राइम सीन से. ना भाई, गलती से हाथ लग गया. कोई बात नहीं. तो ठीक है ना? हाथ कांप रहे तुम्हारे? सॉरी यार, फिर से हाथ फिसल गया. चल खाना दे. कम से कम इस खाने की तो इज्जत कर. ये है तो हम है, समझा? इन सब का नाटक देख रहा हूं मैं. बात को समझने की कोशिश करो दया. चलो यहां से. अपनी जान की खैर जाता है तो बीच में मत आ. दया समझने की कोशिश करो. ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसा रहे हैं. ये लोग चाहते हैं कि तुम इनके साथ भिड़ो, झगड़ा करो. बोला ना, बीच में मत आ. मैं भी तो देखूं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया ने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं. नहीं दया, दया नहीं. दया चलो यहां से. दया, दया चलो यहां से. चलो. ए डरपोक. कबूतर ने अपने पर फड़फड़ाने चालू कर दिए. सालू के साहब, अब ये नई चीज क्या है? इसे एएलएस कहते हैं, प्रोड्यूसर, अल्टरनेटिव लाइट सोर्स, वैकल्पिक प्रकाश स्रोत.
शरीर के अंदर जो चोटें आती है ना उनकी जांच इसी से की जाती है। ये देखो बॉस, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? ये तो चोटों के निशान है। एग्जैक्टली बॉस, ये चोट के निशान है, शरीर की ऊपरी चमड़ी के अंदर की तरफ। हाँ, इसकी चमड़ी के अंदर इतने सारे निशान आए कैसे होंगे? इसके शरीर पर लगातार मारने की वजह से ये निशान बने। हो सकता है ये किसी ऐसे पेशे में काम करता हो जहाँ पर लगातार इसे मार पड़ता हो। मेरा कहने का मतलब है, हो सकता है ये कोई किकबॉक्सिंग करता हो, या बॉक्सर हो, या फिर स्टंटमैन होते हैं फिल्मों में, एक्शंस करते हैं, वो भी हो सकता है। एक बात और बस। क्या? ये चोट के निशान हमें इसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही मिले, छाती पर और चेहरे पर बस। तो फिर हो सकता है ये कोई बॉक्सर ही हो, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें जब मार पड़ती है तो यहाँ से लेके ऊपर चेहरे तक ही होती है। एक काम करते हैं, शुरुआत शहर में जितने भी बॉक्सिंग क्लब है ना, वहीं से करते हैं। क्यों भिड़ रहे थे उन लोगों से? यही तो चाहते थे वो लोग कि उनसे झगड़ा करो। अक्सर मुजरिम पुलिस वालों से, सीआईडी से नफरत करती है। आप भी करते हैं नफरत? यहाँ पे जितने लोग हैं इनको यही लगता है कि हमने बिना वजह उनको जेल भिजवा दिया। कहीं ना कहीं आपको भी यही लगता होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो सीआईडी कॉप्स पर गर्व है। गर्व क्यों? क्योंकि मेरा बेटा भी एक जाबाज ऑफिसर था, सब इंस्पेक्टर अनिल। हाँ, मतलब क्या हुआ उसे? उसे 26 नवंबर को गोली मार दी गई। बेटे के गम में मां डिप्रेशन में चली गई। उसे लगा कि बेटे के बगैर उसकी जिंदगी अब कोई जिंदगी ही नहीं है। उसने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, पर दोनों बार नाकामयाब रही। मैंने बचा लिया उसे, तीसरी बार उसे मैं भी नहीं बचा पाया, क्योंकि इस बार उसने शहर भी आता। लोगों को लगा कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें दी, पर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका। मगर सूरज जी, आप यहाँ जेल में रहकर भी अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़ सकते हैं। किसके लिए लड़ाई लड़ूं? मेरा अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना घर, ना कोई सगे संबंधी। चले बोतल खोल, और वो बर्फ और सोडा किधर है? हाँ सूरज जी, दूर कौन लाएगा, तेरा बाप? ये सब क्या चल रहा है? जेल में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। राज छिपे? कैसा राज? जरा खोल के बताइए। मेरे दोस्त का यहाँ पर खून हो गया है, प्रमोद का। हाँ? यहाँ जेल में? हाँ। क्यों, उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? उसने कुछ ऐसा सुन लिया था जिसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रमोद ने ऐसा क्या सुन लिया था? किसी का खून करना चाहते थे वो, किसी ताकतवर इंसान का। कौन था ये ताकतवर इंसान? मुझे नहीं मालूम। किसने मारा उसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.